दोस्तों एंड्रॉयड में तो यार हमारा BGMI आज से लगभग 2 महीने पहले हमें देखने को तो मिल गया था, पर iOS वालों का कुछ अता पता नहीं था। पर यार आज मतलब यार 18 अगस्त को यार BGMI फाइनली ऑफिशियली लॉन्च हो चुका है यार iOS के अंदर। तो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। वीडियो में हम लोग आज बात करेंगे डाउनलोडिंग प्रोसेस की एंड जो डेटा ट्रांसफर प्रोसेस होने वाला है यार iOS का, उसके बारे में यार कुछ चर्चा करने वाले हैं। तो हेलो एवरीवन, दिस इज योर होस्ट एंड दोस्तों एंड यू ऑल आर वॉचिंग थिंक अबाउट टेक चैनल। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स बिगिन। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले यार बड़ा सा थैंक यू यार आप सभी को, हमारे 4.7K सब्सक्राइबर मतलब 4,700 लोगों का परिवार हमारा पूरा हो चुका है। आई होप हम लोग 5,000 सब्सक्राइबर भी जल्दी अचीव कर लें। होपफुली मेरे बर्थडे मतलब आज से 20 दिन के अंदर यार हमें 300 सब्सक्राइबर का मार्क कंप्लीट करना है। तो जिन्होंने यार चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया यार फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर दो ऐसे ही गेमिंग और टेक की वीडियोज़ के लिए। तो फटाफट से यार चलो चलते हैं यार अब अपने वीडियो की तरफ। तो दोस्तों बात करते हैं यार पहले डाउनलोडिंग प्रोसेस से। तो यार डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा यार, आप वहाँ पर क्लिक करोगे सीधा आप जो है ऐप स्टोर पे रीडायरेक्ट हो जाओगे। वहां से जाके यार आप BGMI को बड़े ही आसानी से डाउनलोड कर सकते हो। एंड अगर वहां से नहीं करना चाहते हो तो यार सिंपली आई ये जो आपका ऐप स्टोर है उधर जाके सर्च कर देना यार बैटल ग्राउंड मोबाइल इंडिया एंड वहां पे आपको BGMI देखने को मिल जाएगा। 1.9 GB का फाइल आपको टोटल जो ऐप है वो देखने को मिलेगा, टोटल जो रिसोर्सेज के साथ 1.9 GB का आपको देखने को मिलेगा। वहाँ से यार डाउनलोड कर लो यार 1.9 GB का, उसके बाद बड़े ही आसानी से आप जो iOS में BGMI का खेल सकते हो। अब यार डेटा ट्रांसफ़र की बात करते हैं तो पहला ये अपडेट है जो ट्विटर का जो यार डेटा ट्रांसफ़र इशू आ रहा है, तो वो इशू जो हो रहा है यार BGMI वालों के तरफ से ही हो रहा है। एंड इसके रिगार्डिंग यार BGMI ने यार अपने यूट्यूब चैनल के कम्युनिटी पोस्ट पर यार ये पोस्ट किया था, आप चाहो तो वीडियो पॉज करके इस पोस्ट को पढ़ सकते हो। एंड बात करें यार अब यार कैसे आप लॉगिन कर सकते हो, डेटा ट्रांसफ़र कैसे कर सकते हो, तो यार सेम प्रोसेस होने वाला है जैसा कि एंड्रॉयड में फेसबुक से लॉगिन करके यार उसी आईडी पर डेटा ट्रांसफ़र कर सकते हो। डिटेल में नहीं जाऊंगा मैं इधर, अगर आप उस वीडियो को देखना चाहते हो उसके बारे में अच्छे से डिटेल में देखना चाहते हो तो यार आई बटन में आपको वीडियो मिल जाएगी। एक बार वीडियो को पूरा जरूर देखना, डिस्क्रिप्शन में भी लिंक मिल जाएगा, पूरा जरूर देखिएगा, स्टेप अच्छे से फॉलो करिएगा एंड उसके बाद आप बड़े ही आसानी से अपना डेटा जो है वो ट्रांसफ़र कर लोगे। अब बात करते हैं यार यहाँ पे जीमेल का ऑप्शन आपको देखने को नहीं मिलेगा, एप्पल आईडी का ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा। तो यार जीमेल वाले हैं यार उनके लिए ये थोड़ा सा इशू हो सकता है। हालांकि यार मैंने अपना आईडी जो है अपने जीमेल पे भी ट्रांसफ़र किया था और अपने फेसबुक पे भी ट्रांसफ़र किया था, बाई चांस कभी फ्यूचर में यार लॉगिन कहीं और करना पड़ गया तब मैं क्या करूँगा, तो इसीलिए फेसबुक पे भी मैंने लॉगिन किया था एंड जीमेल पे भी लॉगिन किया था। मैं भी आपको यही सजेस्ट करूँगा अगर हो सके तो यार दोनों पे डेटा ट्रांसफ़र कर लेना। अगर नहीं समझ में आता है दोस्तों तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, मैं iOS के लिए यार पूरा प्रोसीजर यार आपको समझा दूंगा, पूरा मतलब iOS स्मार्टफोन में आपको समझाऊंगा, क्योंकि यार मेरे पास तो कोई आईफोन है नहीं। हालांकि अगर आप में से यार कोई स्पॉन्सर कर सकता है तो यार लिंक डिस्क्रिप्शन में इंस्टाग्राम का, वहाँ से जाके आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों ये था एक छोटा सा अपडेट कैसे आप डाउनलोड कर सकते हैं यार BGMI iOS के अंदर एंड डेटा ट्रांसफ़र यार काफ़ी सिंपल प्रोसेस है। आई बटन में वीडियो मिल जाएगा वो देख लेना, नहीं तो यार एक डेडिकेटेड वीडियो आ जाएगी उसके लिए भी। तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, अपना जो सवाल या सुझाव वो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। दोस्तों बस फिलहाल के वीडियो में ही, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया, वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा ऐसे ही वीडियो के लिए। तब तक के लिए यार जय हिंद, वंदे मातरम।